गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मनोज कुमार गंगवार, ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने कंबशन एंड फ्लेम का वन वीडियो अपलोड किया था। आई होप यू हैव सीन ऑलरेडी एंड अंडरस्टूड correctly. Now let us start the second video of this chapter. The name of chapter: combustion and flame. Now let us start. Do these experiences tell you that different substances catch fire at different temperatures? क्या आपने experiences अनुभव किया है और बताया हो? Tell you आप बताते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के विभिन्न प्रकार के जो सब्सटेंसेस हैं कैच फायर, मतलब आग को पकड़ते हैं एट द डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पर ये आग पकड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि सब्सटेंसेस जो होते हैं वो उनका जो कैच फायर पकड़ने का तरीका है वो अलग अलग होता है, ये उन्होंने अपनी बात रखी है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंसेज कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। लोएस्ट टेम्परेचर, कम से कम जो टेम्परेचर होता है एट विच ए सब्सटेंसेज, यानी उस पदार्थ का कैचेज फायर जो आग पकड़ती है उसे क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। यानी जो लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंसेज विच कैच फायर ऑफ द सब्सटेंसेज इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर, उसे हम इग्निशन टेम्परेचर स्टूडेंट बोलते हैं। ये बातें उन्होंने यहाँ रखी है। कैन यू टेल नाउ वाई इज मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ऑन एट रूम टेम्परेचर? क्या आप बता सकते हैं वाई ए मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर, कि जो मैच स्टिक है वो आग क्यों नहीं पकड़ती है? ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर, यानी उसके रूम टेम्परेचर जो होता है उस पर जो मैच स्टिक है वो आग क्यों नहीं पकड़ती है? व्हाट इज़ द रीज़न? यानी व्हाई डज द मैच स्टिक्स स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट? व्हाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट, यानी मैच स्टिक क्यों जलना शुरू नहीं होती है ऑन रबिंग इट, जब तक इसको रगड़ा ना जाए? रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्सेस। आपने देखा होगा कि जो माचिस होती है, माचिस की तीली जो होती है, जब तक हम उसको क्या नहीं करेंगे? रबिंग, अर्थात तो उसको रगड़ेंगे नहीं साइड से, तब तक वो जलेगी नहीं। ये बात इन्होंने ऐसा कहा है और ये वास्तविकता भी है, ये हम जानते भी हैं कि मैं अगर आप माचिस लेते हैं, माचिस हिंदी में बोलते हैं, मैच स्टिक इंग्लिश में बोलते हैं, उसकी जो क्या है, जो स्टिक्स हैं उसकी जो तीली हैं, जब उसको हम रगड़ेंगे तभी वो फायर होगी, यानी कैच फायर, तभी वो जलने लगी, अदरवाइज दैट इट कैन नॉट बर्न, तब तक ही नहीं जलेगी। ठीक है, वी फाइंड दैट द कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस कैन नॉट कैच फायर। वी फाइंड, हम फाइंड करते हैं कि एक कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस, जो जलने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, दहन वाले पदार्थ होते हैं, कैन नॉट कैच, जो नहीं आग नहीं पकड़ते हैं या बर्न या जलते हैं एज लॉन्ग, लंबे उसमें एज इट्स टेम्परेचर, जब इनके जो टेम्परेचर पर एज लोअर, जब इनका टेम्परेचर न्यूनतम होता है एंड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इसके इग्निशन टेम्परेचर के कंपेयर में। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग? हैव यू एवर सीन, आपने पहले देखा होगा कुकिंग वाले खाना बनाते हुए ऑयल कैचिंग फायर। इन्होंने ये कहा है कि क्या आपने खाना बनाते हुए इससे पहले आपने देखा है ऑयल कैचिंग, यानी जो आग उससे पकड़ लेती है फायर विद ए फ्लाइंग पान इज कैप्ट फॉर लॉन्ग ए बर्निंग स्टोव। आपने देखा होगा इससे पहले जो खाना बनाया जाता है तो उसमें जो ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल्स होता है, वो उसमें आग पकड़ लेती है, यानी फ्लाइंग पान जो कढ़ाई में होता है कैप्ट फॉर लॉन्ग, उसके लिए रखा जाता है ऑन ए बर्निंग स्टोव पर। कैरोसिन ऑयल एंड वुड
डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। अब इन्होंने यहाँ पर एक बात रखी कि कैरोसिन ऑयल जो होता है एंड वुड जो होती है लकड़ी, वो आग नहीं पकड़ती है, कैच फायर नहीं पकड़ती है ऑन देयर ऑन एट रूम टेम्परेचर। अपने रूम टेम्परेचर पर ये कैरोसिन एंड वुड है वो आग नहीं पकड़ती है, ये बात यहाँ पर उन्होंने गिवन है। वट इट कैरोसिन ऑयल इज हीटेड ए लिटिल, जैसे ही कैरोसिन को हीटेड किया जाता है, थोड़ा भी हीट किया जाता है, इट विल कैच फायर, तुरंत आग को ये पकड़ लेता है। बट वुड इज हीटेड ए लिटिल, और लेकिन हमने लकड़ी को थोड़ा हीट किया, इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, ये कदापि आग नहीं पकड़ती है। डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर, इसका मतलब ये हुआ कि जो इग्निशन टेम्परेचर कैरोसिन तेल का जो है वो सबसे कैसा होता है, कम होता है, किसकी के तो कंपेयर में, यानी देन दैट ऑफ वुड, लकड़ी की तुलना में जो कैरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर है वो लकड़ी की तुलना में कितना होता है, लो। तभी इसके लिए हल्के से हमने हीट किया तो तुरंत ये बर्न शुरू हो जाता है, बट वुड को हमने थोड़ा सा कहीं से हीट किया, इट कैन नॉट बर्न, ये जलता नहीं है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है कि जो इग्निशन टेम्परेचर है, ईच सब्सटेंसेस हैज ए डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, अलग अलग पदार्थों का, सब्सटेंसेस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, वो चीज़ यहाँ पर गिवन है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल, इसी प्रकार से क्या इसका अर्थ ये होता है कि हमें वी नीड टू टेक, हमें इसकी आवश्यकता होती है स्पेशल केयर रखें स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल की, कैरोसिन ऑयल के लिए जो रखने की व्यवस्था होती है वो कैसी रखें, बहुत ही अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ये कहीं आग ना लग जाए इसमें, ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। डज इट मीन, नेक्स्ट है द फॉलोइंग एक्टिविटी शो दैट इट इज एसेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू वर्न। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट क्या के बने, अभी यहाँ पर इन्होंने दिखाया था फॉलोइंग एक्टिविटी, जो इस प्रकार से जो एक्टिविटी दे रखी है और ये दिखाती हैं कि जो हमारी आवश्यकताएँ हैं फॉर ए सब्सटेंस पदार्थ के लिए टू रीच, मैंने पहुँचाती हैं इग्निशन टेम्परेचर टू वर्न, जो सामान्यतः जो टेम्परेचर होता है उसको जलाने के लिए जो इसकी जो एसेंशियल फारे सब्सटेंसेस की है वो उसको पहुंचाती हैं। अब इन्होंने एक्टिविटी स्टूडेंट कर रखी है, एक्टिविटी क्या है, 6.4 में लिख रहे हैं कि मेक टू पेपर कप्स बाय फोल्डिंग ए शीट ऑफ पेपर, पूर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ कप, 50 ml वाटर ले लिया, टू पेपर शीट कप में ले लिए और 50 ml वाटर इसमें पोर्ट कर दिया, उड़ेल दिया वन ऑफ द कप, यानी कप में हीट बोथ द कप सेपरेटली, दोनों को अलग अलग गर्म किया विद ए कैंडल के द्वारा, व्हाट यू हैवियर आपने क्या अध्ययन किया, यानी व्हाट हैपेंड टू द एम्प्टी पेपर कप, व्हाट हैपेंड क्या हुआ टू खाली पेपरों में, खाली पेपर या कप को आपने हीटेड किया, व्हाट हैपेंड टू पेपर कप विद वाटर, और आपने देखा होगा कि व्हाट हैपेंड टू क्या हुआ टू पेपर कप, जो पेपर कप आपने बनाया विद वाटर से, वाटर के साथ, डज वाटर इन दिस कप बीकेम हॉट, और यहाँ पर ये जो बना हुआ है वो कैसा हो गया, गर्म हो गया। नेक्स्ट है कि इफ़ वी कंटिन्यू हीटेड द कप, अगर हम इसको रेगुलर अगर इसको हीट करते हैं, वी कैन इवन वाइल वाटर इन द पेपर कप, तो लगातार ये पानी लगातार गर्म होता जाएगा इन द कप के, पेपर कप के साथ, कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन, इस प्रकार से कि आपने सोचा है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है इसका मतलब क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसको कैसे जानेंगे। The heat supplied of the paper cup is transferred to the water by conduction. इसका मतलब है the heat जो
हीट होती है वो सप्लाई होती है पेपर कप पर इज ट्रांसफर्ड, और ये जो ट्रांसफ़र की जाती है टू वाटर के द्वारा बाय कंडक्शन, कौन सा मेथड कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर को जब हम हीट करते हैं तो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो कौन सा मेथड कहलाता है, कंडक्शन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसलिए वाटर की उपस्थिति में द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज नॉट रेज्ड। इसी प्रकार से जो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर, पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज नॉट रेज्ड, वो पहुंच नहीं पाता है, इसीलिए हेंस इट डज नॉट बर्न, इसलिए ये जल नहीं पाता है। इन्होंने एक बात क्या कही है, देखो टेम्परेचर की प्रेजेंस में जो पेपर है वो नहीं जल पाता है क्योंकि वहाँ पर वाटर लेवल जो है, वाटर का जो टेम्परेचर है वो उसमें इंक्लूड हो गया, इसलिए उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि सो दैट प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की उपस्थिति में द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज नॉट रेज्ड। इसका मतलब जो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर का है वो इज नॉट रेज्ड, अर्थात उस टेम्परेचर को नहीं पहुंच पाता है, हेंस इट डज नॉट बर्न, इसी प्रकार से ये नहीं जलता है, ये बात इन्होंने दे रखी है। द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, इस प्रकार से द सब्सटेंसेज ऐसे पदार्थ जिनका जो टेम्परेचर बहुत ही कम सामान्य टेम्परेचर होता है, एक लो टेम्परेचर होता है, एंड कैन ईजीली आसानी से कैच फायर, पकड़ लेते हैं विद ए फ्लेम आर कॉल्ड, और ये आग पकड़ लेते हैं, इन्हें कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थों को इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। क्या बात समझ में आई आपके लिए, इन्होंने कहा है कि कैन ईजीली कैच फायर, जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं विद ए फ्लेम यानी लो के साथ, आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर जैसे पेट्रोल है, एल्कोहल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम है जिसे कहते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ईटीसी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए इनका जो लो टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर इज़ वेरी लो होता है, बिकॉज इट कैच फायर इमीडिएटली, बहुत ही शीघ्रता से इनको कैसे कर लेते हैं, कैच फायर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं स्टूडेंट, समझ में आ गया। कहीं पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अब ये हम आपको जो रीड कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पढ़ें और इसको बार बार वीडियो, आप इसको लाइक ज़रूर करें, आप इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये हमें लगे कि हमारे जो पढ़ाया हुआ है वो आपको समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारा भी मोटिवेशन रहता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कि आपसे होप की जाती है, आशा की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट गिवन है, क्या कह रहे हैं कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर, अगर कहीं आग लग जाती है तो हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, यानी हाउ कैसे डू वी कंट्रोल फायर, आपको अगर कहीं आग लग जाती है तो हम इसे कैसे कंपेयर कर, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ईच पर्सन कि हाउ टू नो एंड टू प्रिवेंट द फायर, आपको हम कैसे रोकें अगर कहीं लग जाती है। यू मस्ट हैव सीन आर हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट ऑफ होम, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यानी यू मस्ट हैव सीन आर हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन ए होम्स, आपने कहीं सुना होगा, देखा होगा दुकानों में, घरों में आग लगते हुए या फैक्ट्री में आग लगते हुए, ये ऐसा आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। आउट इन होम्स, घर के बाहर या घरों में, शॉप्स या दुकानों में या फैक्ट्रीज, माने फैक्ट्रियों में, तब क्या होता है, इफ़ यू हैव सीन, अगर आपने ऐसा देखा है, सच एन एक्सीडेंट, तो वास्तविकता में ये कैसी दुर्घटना है। राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक, इसके बारे में अपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको एक इन योर नोटबुक में राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक में दे रखा है। आल्सो फायर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट, उसके साथ आपको शेयर करना है अपने स्टूडेंट के साथ कि जब हमने आग देखी, यानी डिस्क्राइब द यानी कैश फायर
यू हैव सीन एनी प्लेस यानी होम्स फैक्ट्रीज आर एनी अदर प्लेसेस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स और क्लासमेट्स स्टूडेंट, ठीक है। कहीं अगर आपने आग लगते हुए देखा है तो अपने उसकी जो इवेंट्स हैं, उसके जो इंसिडेंट्स हैं या एक्सीडेंट्स हैं, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने मित्र के साथ, अपने क्लासमेट के साथ उसकी शेयर करिए। एंड व्हाट डू यू नो अबाउट दैट फायर, फायर के बारे में आप क्या जानते हैं, कैसे आग लगी, ये सभी आपको शेयर करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि डज योर सिटी टाउन हैव द फायर ब्रिगेड स्टेशन, ब्रिगेड स्टेशन यानी डू योर सिटी, आप क्या आपके शहर में या नगर में हैवे का यानी ब्रिगेड स्टेशन है या नहीं है, जहाँ आग का जो स्टेशन होता है, फायर स्टेशन होता है, वो कहीं आपके आसपास में है नहीं है। व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्ड, जैसे ही कोई एक आग ब्रिगेड अराइव पहुँचती है, व्हाट डज इट डू, तो इसे क्या करना था, क्या करती है कि इट पोर्ड वाटर, ये पानी को उड़ेलती है ऑन द फायर, आग पर उड़ेलती है। एंड वाटर कूल्स द कम्बस्टिबल मटेरियल, और वाटर जो है वो कैसा होता है, ठंडा करता है कम्बस्टिबल मटेरियल के लिए, शो दैट इट टेम्परेचर इज ब्राउट बिलो, इसी प्रकार से उसका जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। इट इज इग्निशन टेम्परेचर, दिस प्रिवेंट दिस फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, वाटर पेपर्स आल्सो सराउंड द कम्बस्टिबल मटेरियल्स हेल्प इन कोटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। इन्होंने कहा कि द वाटर वेपर्स, जो पानी का जो वेपर्स होता है, आल्सो सराउंडिंग्स या चारों ओर द कम्बस्टिबल मटेरियल्स के हेल्पिंग मैंने सपोर्ट करता है इन कटिंग, और काटता भी है ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर के लिए, द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, इस प्रकार से ये स्लो हो जाती है। यू हैव लर्न दैट देयर आर थ्री एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोटेक्टिंग फायर्स, आपने देखा होगा और सीखा भी होगा कि देयर आर थ्री एसेंशियल जो थ्री रिक्वायरमेंट्स अर्थात आवश्यकताएँ फॉर प्रोड्यूसिंग फायर की, कैन यू लिस्ट देयर रिक्वायरमेंट, उनके लिए आपको क्या बनाना है, एक वो बनाना है, कैन यू लिस्ट देयर रिक्वायरमेंट के बारे में आपको बनानी है, ठीक है। कैन यू लिस्ट देयर रिक्वायरमेंट, देयर आर प्योर एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड हीट टू द टेम्परेचर, आज ये इस को हम यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे, ठीक है, ओके।